हे गाइस, वेलकम बैक टू अनस्टॉप बायोलॉजी। सो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर करा था? लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था कि कितने तरीके के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उनके हमने फंक्शंस और किस फॉर्म में वो अब्सॉर्ब होते हैं वो पढ़ा था। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, और कुछ हम ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही एसेंशियल हैं और किस फॉर्म में वो अब्सॉर्ब होते हैं, किस फॉर्म में वो यूज होते हैं प्लांट्स में, और उनका एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, क्या रोल वो प्ले करते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो गाइस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, पहले तो ये जान ले क्या होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब है कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स है ना, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि 10 मिलीमोल पर केजी, और ये मैं बात कर रही हूँ ड्राई मैटर की। ठीक है, जो कि 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई मैटर के हिसाब से इससे कम हो। ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या था, 10 मिलीमोल पर केजी से अगर ऊपर, ठीक है, अगर उससे ज्यादा अमाउंट में वो प्रेजेंट है तो वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अगर ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो 10 मिलीमोल से कम में, कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, अब जो पहला न्यूट्रिएंट हम पढ़ेंगे वो है, पहला माइक्रो न्यूट्रिएंट जो पढ़ेंगे वो है आयरन। ठीक है, तो देखते हैं आयरन क्या करता है। तो सबसे पहली चीज, फेरिक फेरिक आयन के फॉर्म में ये अब्सॉर्ब होता है। ठीक है, इस फॉर्म में प्लांट्स इसको अब्सॉर्ब करते हैं। अब इसका रोल क्या क्या है ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक तो आप ये याद रख लीजिए कि आयरन ऐसा माइक्रो न्यूट्रेंट है जो बाकी सारे माइक्रो न्यूट्रेंट के कंपैरिजन में ज्यादा अमाउंट में यूज होता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट इसका वो क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन्स का। ठीक है, और वो भी कैसे प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में यूज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में यूज होते हैं, जैसे कि फेरेडॉक्सिन या फिर साइटोक्रोम्स। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, दूसरा एक क्या किया है कि ये रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, ये रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है Fe2+ से Fe3+ में। ठीक, किस टाइम पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टाइम पर। ठीक है, और तीसरा क्या है कि ये एक्टिवेट करता है किसको, पता है, कैटलेज एंजाइम को। ठीक है, और ये आयरन गाइस एक और चीज के लिए एसेंशियल है, किस चीज के लिए एसेंशियल है, क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए, क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गई आयरन के बारे में। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है मैंगनीज। तो नेक्स्ट जो हम एलिमेंट पढ़ेंगे वो क्या है, मैंगनीज। ठीक है, तो सेकेंड एलिमेंट हमें पढ़ना है मैंगनीज। अब मैंगनीज जो है आपका वो मैंगनस आयन, मैंगनस Mn2+ आयन के फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, एक मेजर इसका फंक्शन क्या है कि ये ऐसे एंजाइम्स एक्टिवेट करता है, ये ऐसे एंजाइम एक्टिवेट करता है जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, जो कि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है और नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। तो बेसिकली गाइस मैंगनीज दूसरे एलिमेंट को भी सपोर्ट सपोर्ट कर रहा है ना। और एक फंक्शन जो हम बोलते हैं बेस्ट डिफाइंड फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेस्ट डिफाइंड फंक्शन क्या है मैंगनीज का, ये याद रखिए गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ये है कि मैंगनीज वाटर स्प्लिटिंग,
स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर, जिससे क्या होता है, O2 ऑक्सीजन लिबरेट होता है, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। और ये किस टाइम पर हो रहा होता है, ये हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, ये फोटोसिंथेसिस के टाइम पर हो रहा होता है। तो एक बेस्ट डिफाइंड फंक्शन क्या है मैंगनीज का, कि ये वाटर स्प्लिट करके ऑक्सीजन लिबरेट करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, और इसी की हेल्प से होता है, ठीक है। तो ये तो हमने बातें कर ली मैंगनीज की, अब हम चलेंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा है बताओ, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? नेक्स्ट एलिमेंट है जिंक, ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है जिंक। अब देखते हैं जिंक क्या करता है। तो पहली चीज की जिंक आयन के जैसे अब्सॉर्ब होता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो है बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है, एक्टिवेट्स एंजाइम्स, ठीक है, स्पेशली कौन से एंजाइम्स, कार्बोक्सीलेजेस, कार्बोक्सीलेजेस को, ठीक है। एक और चीज में इसका हेल्प चाहिए होता है, किसमें, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। पता करके आना आप, ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन बेसिकली एक प्लांट हार्मोन है, ठीक है। तो ये तो हो गया जिंक के बारे में। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट है कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट अगर हम यहां पर भी एक बार देख लें, तो नेक्स्ट एलिमेंट है कॉपर, ठीक है, मतलब कि फोर्थ एलिमेंट क्या है, फोर्थ एलिमेंट है कॉपर। किस फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है, क्यूपरिक फॉर्म में, क्यूपरिक Cu2+ आयन के फॉर्म में, ठीक है। क्या करता है, ओवरऑल जो मेटाबॉलिज्म है प्लांट का, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट, ठीक है, इसके लिए एसेंशियल है। दूसरी चीज, आयरन के जैसे रिवर्सिबल ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, Cu+ से Cu2+, ठीक है, बेसिकली एंजाइम के साथ एसोसिएटेड है, रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व है, और रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है Cu+ से Cu2+, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कॉपर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है बोरॉन। बोरॉन कैसे अब्सॉर्ब होता है, बोरॉन अब्सॉर्ब होता है या तो ये दो आयन्स हैं, ठीक है। कैसे रिक्वायर्ड होता है, क्यों रिक्वायर्ड होता है ये ना कैल्शियम का, याद रखिएगा गाइस, कैल्शियम के अपटेक और यूटिलाइजेशन के लिए भी रिक्वायर्ड होता है। अगेन दूसरे एलिमेंट को ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग, मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग, पॉलन का जर्मिनेशन, देख रहे हैं आप कितने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, कितने सारे फंक्शन है ना। और कार्बोहाइड्रेट का मूवमेंट, कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन भी बोरॉन के हेल्प से होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फिफ्थ एलिमेंट। अब दो और एलिमेंट बचे हैं, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, नेक्स्ट एलिमेंट है मॉलिबेडनम, ठीक। तो अब देखते हैं मॉलिबेडनम क्या करता है। सिक्स्थ एलिमेंट है ठीक है मॉलिबेडनम, कैसे अब्सॉर्ब होता है, मॉलिब्डेट, MOO2, टू
प्लस, ठीक है, ये आयन रहता है। तो गाइस आपको ये याद रखनी पड़ेंगे आयन्स, ठीक है। अब क्या काम करता है, ये कंपोनेंट होता है, ठीक है, ये कंपोनेंट होता है किसका, ये कंपोनेंट होता है बहुत सारे एंजाइम्स का, जैसे कि नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज, ठीक है। और ये जो दोनों आपके एंजाइम्स हैं, ये किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, ये पार्टिसिपेट करते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। अब एक लास्ट एलिमेंट रह गया गाइस, वो लास्ट एलिमेंट कौन सा है, वो लास्ट एलिमेंट है क्लोरीन, ठीक है। किस फॉर्म में क्लोरीन अब्सॉर्ब हुआ होता है, क्लोराइड आयन, एज क्लोराइड आयन, ठीक है। क्या काम है, ये सोडियम या फिर पोटेशियम के साथ मिलके, ठीक है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन डिटरमिन करने में हेल्प करता है। बहुत बार ये एनायन और कैटायन है ना बैलेंस करता है सेल्स में, ठीक है। एक और चीज में ये इंपॉर्टेंट है, अगेन वाटर स्प्लिटिंग है ना, वाटर स्प्लिटिंग। तो एक और एलिमेंट हमने पढ़ा था जो वाटर स्प्लिटिंग में इन्वॉल्व है, वो है मैंगनीज, और वैसे ही क्लोरीन भी वाटर स्प्लिटिंग में इन्वॉल्व है, वाटर प्लस स्प्लिटिंग रिएक्शन जो होता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में, है ना। और इसके वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ हमने 7 टाइप्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कवर कर लिए हैं। आपको वापस से एनसीईआरटी जाकर पढ़नी है और समझना है कि हमने एग्जैक्टली क्या क्या चीजें पढ़ी हैं अभी तक इसमें, ठीक है, समझना है और याद भी करना है, ठीक। तो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है पढ़ने के बाद इस टॉपिक में या ये वीडियो देखने के बाद, तो मुझे आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में अपने डाउट बता सकते हैं और मैं आपको वहां पर जवाब दे दूंगी। या तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको अच्छे से समझ में आए ये सारे न्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और गाइज अगर आप नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट जितने भी वीडियोस मैं अपडेट कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पे, वो सबको आपको टाइम पर मिलते रहे और आप डेली देखते रहिए ये सारे वीडियोस। थैंक्स गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।